हेलो फ्रेंड्स, तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं जो भी स्टूडेंट एमए कर रही है हिस्ट्री से, ठीक है ना, उनका फर्स्ट ईयर है जिनका भी, तो उनके लिए आज ये फर्स्ट क्लास है। तो फर्स्ट क्लास में हम जो क्वेश्चन करने वाले हैं वो क्वेश्चन हम करने वाले हैं, व्हाट इज हिस्ट्री, इतिहास क्या है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है। आप एमए के प्रीवियस ईयर के पेपर देख लेना, उसमें ये क्वेश्चन दिया हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको क्या करना है, वीडियो को पॉज कर लेना है और अपनी हिस्ट्री के नोट्स बनाते चलना है। इससे क्या होगा, जब एग्जाम आपका जो नेक्स्ट मंथ है आप नोट्स बना लोगे तो इजीली आपके क्या हो जाएगा, लर्न हो जाएगा और आप एग्जाम अच्छे से दे सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हिस्ट्री क्या है, सबसे पहले आपको क्या है, थ्योरी लिखनी होती है, ठीक है ना। थ्योरी आएगी, थ्योरी लिखनी होती है, लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं। तो आपको लिखना है क्या इतिहास है, क्या स्टार्ट कहां से करना है। मनुष्य एक चिंतनशील प्राणी है। थोड़ा आप वॉइस को थोड़ा, मतलब मेरी वॉइस खराब हो रही है, थोड़ी सी गला खराब हो चुका है मेरा, तो आप थोड़ा ठीक है ना अवॉइड कीजिए। मनुष्य एक चिंतनशील प्राणी है और उसका प्रत्येक कार्य विचारपूर्ण होता है। उसके हृदय में हमेशा उत्कंठा विद्यमान रहती है। इसी उत्कंठा और जागृति के फलस्वरूप उसका ध्यान अतीत की जानकारी और अध्ययन की ओर उन्मुख हुआ। प्राचीन काल में अतीत की घटनाओं तथा विचारों इत्यादि को संजोर कर रखने का प्रयास किया जाता रहा है। जैसा पता है मनुष्य चिंतनशील प्राणी, कुछ ना कुछ सोचता ही रहता है हमेशा, और इसी सोच में हम सोचते हैं कि हमारा अतीत कैसा था, तो अतीत की जानकारी भी वो सोचता है कि अतीत, हम आखिर अतीत में करते क्या थे। तो हम इतिहास कहते किसे हैं, घटनाओं को सुरक्षित रखने का यह कार्य है, जब कर्म अनुसार होता है तब उसे हम इतिहास कहते हैं। पुराने समय से अब तक आने वाली मानव जाति से संबंधित घटनाओं का वर्णन करना ही इतिहास है। या दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि इतिहास, इतिहास क्या है, इतिहास अब से पूर्व की घटनाओं का वर्णन है। अब हम कहे फादर ऑफ हिस्ट्री कौन है, तो इतिहास का जनक हेरोडोटस को कहा जाता है, जो कि सिकंदर के पूर्व का एक यूनानी विद्वान और इतिहासकार था। अब आ जाता है इतिहास का शाब्दिक अर्थ। तो इतिहास शब्द जो है वो संस्कृत भाषा के तीन शब्द से मिलकर बना है। तीन शब्द कौन से, इतिहास में आता है फर्स्ट आपका इति, और फिर आता है ह और फिर आस। यहाँ पे जो इति वर्ड है इसका मतलब होता है ऐसा ही, ह का मतलब होता है निश्चित रूप से, और आस मतलब था। इन शब्द की इतिहास शब्द जो है मिलके बना है, और जिसका शाब्दिक अर्थ क्या हो है, ऐसा ही निश्चित रूप से। ओके, तो इतिहास का शाब्दिक अर्थ ये आपका हो जाता है। वीडियो को आपको पॉज करके अपने नोट्स बनाते चलना है, लास्ट में मैं सारे आपको जहां से भी पढ़ाया है वो टोटली दिखाऊंगी। ओके चलिए अब आगे चलते हैं। फिर आगे आपको क्या लिखना है, सर्वप्रथम ग्रीस के लोगों ने इतिहास के लिए हिस्ट्री, जिसे आप इंग्लिश में हिस्ट्री कहते हैं, इस शब्द का प्रयोग करते थे। हिस्ट्री का शाब्दिक अर्थ था बुनना। अंग्रेजी में इतिहास को हिस्ट्री कहते हैं, जो कि यूनानी संज्ञा लालोपला से ग्रहण किया गया है, जिसका अर्थ क्या होता है, सीखना। शाब्दिक अर्थ को दूसरे रूप में यदि समझा जाए तो हिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति ग्रीक शब्द हिस्टोरिया से हुई है, जिसका अर्थ होता है खोजना या जानना। हिस्ट्री शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो है ग्रीक के लेखक थे हेरोडोटस, जिसको मैंने क्या कहा, फादर ऑफ हिस्ट्री, उन्होंने किया था। फिर आगे आ जाता है आपका इतिहास अतीत की महत्वपूर्ण घटनाओं का अभिलेख है। चिरकाल तक इतिहास का अर्थ क्या था, नरेशन ऑफ फैक्ट्स, मतलब तथ्यों का वृत्तांत समझा गया। तथ्य क्योंकि स्वयं तो बोल नहीं सकते, इन तथ्यों को वाणी देने का कार्य इतिहासकार करते हैं। इतिहासकार वह व्यक्ति होता है तथा वह पूर्वाग्रह से मुक्त और युक्त भी हो सकता है, अतएव तथ्यों के वृत्तांत दोषपूर्ण भी हो सकते हैं। ऐसी स्थिति में इतिहास इतिहास में होकर गल्प मिथकिया आख्यान बन जाता है। अब इतिहासकार इस बात पर जोर देने लगे हैं कि इतिहास तथ्यों का वृत्तांत नहीं बल्कि तथ्यों का मूल्यांकन है। तो ये हमारा क्या जाता है, इतिहास के शाब्दिक अर्थ के बारे में थोड़ा इतिहास को हम जान लेते हैं। फिर आ जाता है इतिहास की परिभाषा, क्योंकि इतिहास की आपको डेफिनेशन भी लिखनी होती है। परिभाषा कई सारी है इसकी, ठीक है ना, बहुत सारी इसकी परिभाषा है। तो जीएम ट्रेवेलियन के अनुसार, ट्रेवेलियन ने इतिहास की परिभाषा किया दी है, तीन चार परिभाषा तो आपको लिखनी होगी, क्योंकि इतिहास का आवश्यक कर्तव्य कहानी कहना है, और इस प्रकार इतिहास अपने अपरिवर्तनीय मूल तत्व में एक कहानी है। यह किसने कहा है, जीएम ट्रेवेलियन ने। फिर आ जाता है हेनरी पायरेनी के अनुसार, इतिहास समाज में रहने वाले मनुष्य के कार्य और उपलब्धियों की कहानी है। आ जाता है फिर रेनियर के अनुसार, रेनियर ने क्या कहा हिस्ट्री के बारे में, यदि इतिहास एक कहानी से कम है तो यह अपने सामाजिक कार्य को संपन्न नहीं कर सकता, और यदि एक कहानी से अधिक है तो अन्य अनुशासन के साथ अनावश्यक रूप से प्रतिस्पर्धा करेगा, अनिश्चित आवाज में बोलेगा और मार्गदर्शन के पेशा भ्रम अधिक पैदा करेगा। तो यह आपकी हिस्ट्री की तीन डेफिनेशन हो जाती है। आगे आपको क्या लिखना है कि इतिहास मनुष्य के अनुभवों की कहानी है। ये अनुभव सक्रिय और निष्क्रिय दोनों प्रकार के हो सकते हैं। जीवन में एक मनुष्य के साथ जो कुछ भी घटित होता है और परिस्थिति आने पर वह स्वयं उसका सामना करता है तो उसकी समझ और ज्ञान में क्या होती है, वृद्धि होती है, क्योंकि हम अपनी हर भूल से कुछ ना कुछ सीखते हैं।
आगे आ जाता है। इतिहास का संबंध समाज में रहने वाले व्यक्ति से नहीं है बल्कि उस समाज से भी है जिसमें व्यक्ति अपना जीवन व्यतीत करता है। अब आ जाता है इतिहास के क्षेत्र के बारे में, क्योंकि जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है उसमें इतिहास की परिभाषा भी है, इतिहास के क्षेत्र के बारे में पूछा गया है और इतिहास क्या है आपसे ये भी पूछा गया है। तो इतिहास के क्षेत्र में आपको क्या लिखना है, आदिकाल से आधुनिक युग तक इतिहास का क्षेत्र निरंतर परिवर्तनशील रहा है। इस परिवर्तनशीलता के परिणाम स्वरूप इसका जो विकसित रूप आज है उसका एकमात्र आधार विभिन्न युगों के सामाजिक मूल्य और उनकी सामाजिक आवश्यकताएं रही है। इतिहास के क्षेत्र के अंदर मनुष्य के एक साधारण कार्य से लेकर उसकी विविध उपलब्धियों तक का वर्णन होता है। प्रकृति का अध्ययन इतिहास क्षेत्र से बाहर है, फिर भी इतिहास में प्रकृति की पुनः परीक्षा संभव है। भूकंप, बाढ़, अकाल, अतिवृष्टि, अनावृष्टि ये सब क्या है, मानवीय कार्य है और इनकी उपलब्धियों को नियंत्रित करती है। मध्य एशिया की पठारी तथा बंजर भूमि ने मंगोलों को लुटेरा और लड़ाकू बना दिया, ये इसके क्षेत्र के बारे में हम बात कर रहे हैं। यूनान के द्वीप समूह ने अनेक हिस्से में उपनिवेश स्थापना की प्रवृत्ति को जन्म दिया। भारतवर्ष के इतिहास में सिंधु, गंगा, यमुना, सतलज, ब्रह्मपुत्र, रावी, व्यास, हिमालय, सतपुड़ा, अरावरी आदि की भूमिका महत्वपूर्ण रही। वाटररू, पानीपत तथा प्लासी का कोई महत्व नहीं होता यदि नेपोलियन, बाबर तथा क्लाइव से इन स्थानों का संबंध नहीं होता। हम कह सकते हैं कि प्रकृति तथा भौगोलिक परिस्थिति के परिवेश में ही मानवीय कार्य उपलब्धियों का अध्ययन इतिहास क्षेत्र के अंदर होना चाहिए। तो यहाँ पे आपका इतिहास का क्षेत्र हो जाता है और साथ ही साथ आपका एक क्वेश्चन भी खत्म हो जाता है। तो मैं स्टार्टिंग से आपको क्या कर रही हूँ, या आपको नोट्स दिखा रही हूँ, आपको क्या करना है वीडियो को पॉज कर लेना, अपने नोट्स को अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। हिस्ट्री की फर्स्ट बुक का आपको ये फर्स्ट क्वेश्चन जो है, इतिहास क्या है, इतिहास का शाब्दिक अर्थ क्या है और इतिहास की परिभाषा और इतिहास का क्षेत्र वो आपका कंप्लीट हो जाता है। अब आप जब हिस्ट्री के और क्वेश्चन करोगे तो आप थोड़ा बहुत इसमें बीच में ऐड कर सकते हो क्वेश्चन को लेंथी करने के लिए, मतलब इतना आपके लिए सफिशियंट है। वीडियो अच्छी लगे तो आपको क्या करना है, लाइक करना है, कमेंट्स में बताना है, ताकि अगर आप कमेंट्स नहीं करोगे तो मैं नेक्स्ट वीडियो नहीं लेके आ पाऊंगी। अगर आप कमेंट्स करोगे, लाइक करोगे वीडियो, तो मैं आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो भी इंपॉर्टेंट है वो सब हिस्ट्री के लेके आऊंगी, जिससे आपका एग्जाम अच्छी तरह हो जाएगा।